हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद धाकड़, स्वागत करता हूँ आपका फ्लाई हाई एकेडमी भोपाल में। और आज इस वीडियो में हम एक बहुत स्पेशल चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो है इंग्लिश के टेंस। और इस वीडियो में आपको पहले टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस शुरुआत से लेके एंडिंग तक पूरा समझाने वाला हूँ। तो इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन में, आप घर बैठे बैठे पूरे इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो टेंस है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ और इस पूरे एक वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, टेंस बेसिकली क्या होता है? इसको एक्शन और वर्ब कहा जाता है। वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट होता है, जो कुछ करता है, उसको क्या करते हैं? जो वर्ब होती है वो एक्सप्लेन करती है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना इज़ वर्ब, मैं एक सब्जेक्ट है। तो बस यहाँ पर ही आपका टेंस यूज़ होता है। आपके जो टेंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो अभी चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत चुका है, भूतकाल, और फ्यूचर भविष्य, जो आने वाला कल। अब आपको बता दूँ कि तीन तरह के टेंस होते हैं, लेकिन जो एक टेंस होता है वो आपका चार तरह का होता है। मतलब एक टेंस है, उसके चार पार्ट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। अब ऐसे मतलब प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस। उसी तरीके से पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस टेंस होगा। और उसी तरीके से आपका फ्यूचर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके टेंस तीन तरह के होते हैं और वो चार पार्ट होते हैं उसके, चार ये मतलब प्रेजेंट का चार, पास्ट का चार, फ्यूचर का चार, टोटल कितने हो गए? 12। तो आपके टोटल जो टेंस के टाइप हैं वो हम टोटल कितने पढ़ेंगे? 12 पढ़ेंगे। देखिए, अब टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? सेंटेंस पढ़ते हैं। तो आपके जो सेंटेंस होते हैं वो भी हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो एक पार्ट के, जैसे ये पार्ट है, सिंपल का पार्ट है जिसके हम सेंटेंस होते हैं, या तो सिंपल सेंटेंस कहते हैं, इनको पॉजिटिव कहते हैं, पहला तरीका। दूसरा हम पढ़ेंगे नेगेटिव, तीसरा पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव, और चौथा पढ़ेंगे हम इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जो नॉर्मल मैं पढ़ाता हूँ, नेगेटिव जिसमें नहीं हूँ, ना हो की बात हो रही है, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे प्रश्नात्मक बात हो रही हो, क्या मैं पढ़ाता हूँ। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन भी हो गया और नहीं भी हो गया। तो आप समझ में आई बात कि टेंस आपके टोटल तीन तरह के होते हैं और एक टेंस का टाइप चार तरह के होते हैं, और एक जो हम टेंस पढ़ते हैं उसमें जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वो हम चार तरह के वाक्य पढ़ेंगे। बाकी वाक्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनमें सब में यही रूल फॉलो होता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी प्रेजेंट टेंस से। तो गाइस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे इसका यूज करना है, तो हम ये पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन मतलब इसकी पहचान, इसकी पहचान और इसका आइडेंटिफिकेशन है कि अगर कोई भी सेंटेंस मतलब कोई भी जो वाक्य होगा और उसके आखिरी में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ और बस्ती हूँ तक ही होना है। तो अगर किसी भी सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताऊ, ती हूँ आता है, तो वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे मैं खाना बनाता हूँ, वो बाजार जाता है, आप पढ़ाते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तो ता है, ती है, ते आ रहा है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको हेल्पिंग वर्ब से ही, जब इंग्लिश में, ये तो हिंदी में पहचान लिया, लेकिन जब आपसे कहा जाए कि आपको इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, या फिर उसमें से कौन से टाइप का है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब ही आपको बता सकती है ये। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या है आपका यहाँ पे? डू और डज। डू और डज आपकी दो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, डू है और डज है। अब मैं आपको समझाता हूँ डू का जो यूज़ होगा और डज का यूज़ किसके साथ होगा। डज का यूज़ आपका सिंगुलर के साथ होता है, सिंगुलर बोले तो ही, शी, इट और किसी का भी नाम, एनी नेम, ठीक है। और जो डू का यूज़ आपका होगा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आई और यू, आई और यू आपके सिंगुलर हैं,
बट आपको इसका जो यूज़ है वो आपको करना पड़ेगा डू के साथ ही करना है, ये रूल होता है आई यू और इसके बाद आपका वी दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। तो आप ऐसा मान के चलें ये ग्रुप बना लें आप, ये सिंगुलर ही शी इट एनी नेम ये आपका एक ग्रुप हो गया और आई यू वी दे यू आई यू वी दे और प्लूरल ये आपका सेकंड ग्रुप हो गया। तो डस का यूज़ इसके साथ करेंगे और डू का यूज़ इनके साथ करेंगे हम। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब हम बस सीधी सी बात हम कहेंगे अब सेंटेंस पर आएंगे, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने से पहले हमने पढ़ा कि आपको चार तरह के सेंटेंस में पढ़ाऊँगा, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा आपको इतना समझ में आ गया है तो अब हम आगे बढ़ें, तो इसको मैं इरेज करना पड़ेगा मुझे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आप सबसे पहले हम आते हैं सिंपल सेंटेंस पर। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ के कुछ रूल्स बताता हूँ। सिंपल सेंटेंस में आपसे कहा गया है कि सिंपल सेंटेंस के पॉजिटिव जो सिंपल सेंटेंस के जो आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते ये लोग, ये इसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे फॉर्मूला है आपका दो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, देखो डू और डज, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल हो रहा है तो यहाँ पर जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला के जिस तरीके से होगा, सिंगुलर के लिए फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, और आपका प्लूरल के लिए आपका होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज ये आपका फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला फॉलो करना है और सेंटेंस बनाना है। फॉर्मूला क्या है, सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब आपको जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें एस या ई एस लगाना है, और प्लूरल में क्या होता है कि आपको यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाना है। चलिए तो अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस बनाते हैं तो उससे हम समझते हैं। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं आपका आई है, तो देखिएगा आई आपका है तो सिंगुलर, वैसे मैंने आपको समझाया था, लेकिन ये प्लूरल वाले जो मैंने आपको बताया कि सेकेंड ग्रुप जो होता है, मैंने आपको दो ग्रुप बता दिए हैं कि अगर ही सी इट एनी नेम हो तो फर्स्ट ग्रुप हो गया सिंगुलर के लिए, और सेकेंड ग्रुप में आई और यू और वी और दे और प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे। तो सेकेंड ग्रुप की बात हो रही थी, सेकेंड ग्रुप में आई का मतलब ये वाला फॉर्मूला का था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाना खाता हूँ, खाना मीन्स होता है ईट, तो आई ईट, और ऑब्जेक्ट क्या है खाना, तो आई ईट फूड, आई ईट फूड, बिल्कुल फॉर्मूला को फॉलो करा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड में लेता हूँ बो गाना गाता है, बो गाना गाता है, तो बो मीन्स कौन होगा ही मतलब आपका फर्स्ट ग्रुप है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गाना गाना, गाना मीन्स क्या होता है सिंग, ही सिंग, अब यहाँ पर लगेगा एस या ई एस, तो देखो एस ई एस को लगाने के रूल्स आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर आपका एस लगेगा, ही सिंग्स आ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है आपका आ सॉन्ग, वो क्या गा रहा है गाना गा रहा है, तो ही सिंग्स आ सॉन्ग। हमेशा ध्यान रखिएगा इंग्लिश भले ही हम हिंदी में नहीं बोल रहे कि वो एक गाना गाता, लेकिन इंग्लिश में आपको लिखना पड़ता है आ सॉन्ग, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही टाइम में एक ही गाना गा सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको ही सिंग्स आ सॉन्ग बोलना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप में अगर पॉजिटिव सेंटेंस आते तो ऐसे बनाएंगे, और सेकंड ग्रुप अगर सेकंड ग्रुप में आते तो ऐसे बनाना, और फर्स्ट ग्रुप में आएंगे तो ऐसे बनाना। तो गाइज ये था हमारा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पर। गाइज अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर, तो नेगेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज, देखिएगा अब इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज रहा है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा एक यूनिवर्सल रो आपको बता देता हूँ कि जब भी आपको कभी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें नॉट लगा देते हैं, जब भी आपको नेगेटिव बनाना क्या करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें नॉट लगा देते हैं। तो आप डू नॉट को अगर इकट्ठा लिखना चाहें तो आप इसको डोंट लिख सकते हैं, और डज नॉट को आप डजंट लिख सकते हैं, ये हमने एक एब्रीवेशन फॉर्म यूज कर लिया। अब हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो मैं आई, आई के साथ क्या यूज़ होगा डू, तो आई डू और नॉट, आई और डू नॉट, आप चाहते इसको एब्रीवेशन फॉर्म यूज़ कर सकते हैं डोंट, आई डोंट या आई डू नॉट। पीना, यहाँ पर आप ड्रिंक यूज़ नहीं करें, पीना मतलब पानी वाला ड्रिंक, यहाँ पे टेक यूज़ होता है, तो आई Do not take, और यहाँ पर आएगा आपका tea, चाय को बोलेंगे tea, तो I
डोंट या डू नॉट टेक टी, बिल्कुल फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो कार नहीं चलाता है, वो कार नहीं चलाता है, तो वो मतलब ही, तो ही के साथ क्या आएगा, डजंट, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट या फिर ही डजंट, ही डजंट चलाना, कार चलाना मीन्स होता है ड्राइव, तो ही डज नॉट ड्राइव कार, ही डज नॉट ड्राइव अ कार, ही डज नॉट ड्राइव अ कार, या ही डज नॉट ड्राइव अ कार, या ही डज नॉट ड्राइव कार। तो गाइस समझ गए आप, तो सिंपल था, आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना था और कुछ भी नहीं था, डू नॉट और डज नॉट। तो गाइस इसी के साथ आपका नेगेटिव सेंटेंस खत्म होते हैं, बस फॉर्मूले को ध्यान रखना और कुछ भी नहीं करना है। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्न क्वेश्चन करना। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला होगा आपका डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो भाई और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। जब भी आपको क्वेश्चन बनाना है किसी भी टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर हो, कोई सा भी टेंस हो, आपको जब भी क्वेश्चन बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देना है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देना। चलो अब सेंटेंस बनाते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या आप अंग्रेजी, तो क्या आप मीन्स यू है, तो यू के लिए डू आएगा, तो डू फिर आपका यू, डू यू बोलना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देखो सब डू या डज देन सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बोलना मीन्स होता है स्पीक, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, तो डू यू स्पीक इंग्लिश। अब हम एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या वो बाजार जाता है, क्या वो बाजार जाता है, तो क्या वो मीस ही है, तो क्या आएगा डज ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना मीस गो, तो डज ही गो, अब ऑब्जेक्ट टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, क्या वो बाजार जाता है, डज ही गो टू मार्केट। तो इसी के साथ आपका ये क्या होगा, इंटरोगेटिव। अब मैं एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो गाइस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव मतलब यहाँ पर क्वेश्चन भी होगा और नहीं भी होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। या इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा डोंट या डजंट, अगर आप एब्रीवेशन फॉर्म यूज़ करते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम सेंटेंस बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पहला सेंटेंस, क्या आप चाय नहीं पीते हैं, क्या आप चाय नहीं पीते हैं, तो हम आप मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा डू, फिर आपका क्या आएगा सब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा, डू यू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज टेक, डू यू नॉट टेक टी, या इसको वैसे नॉर्मल लिखता तो कैसे होता, डोंट यू टेक टी, डोंट यू टेक टी। मतलब गाइस इसमें आप ऐसा अगर शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ करेंगे एब्रीवेशन की, डोंट यू टेक टी ज़्यादा सही लगेगा डू यू नॉट टेक टी के उसमें, लेकिन दोनों ही सही हैं। जैसे हम लेते हैं, क्या वो गाना नहीं गाता है, क्या वो गाना नहीं गाता है, तो क्या हो जाएगा, क्या वो, तो इसलिए डज आएगा, डज फिर वो है तो सब्जेक्ट मतलब ही, डज ही नॉट सिंग आ सॉन्ग, और इसके बाद अगर इसको एब्रीवेशन फॉर्म में लिखेंगे तो डजंट ही सिंग आ सॉन्ग, डजंट ही सिंग आ सॉन्ग। तो बेसिकली गाइज ये आपका था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हमने पढ़ा पॉजिटिव सेंटेंस मीन सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो चारों में बेसिकली मैंने आपको ये समझाया कि आप इसका फॉर्मूला फॉलो करें तो आप आसानी से चीज़ को समझ सकते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि डू का यूज़ फर्स्ट ग्रुप के साथ करते हैं और डज का यूज़ सेकंड ग्रुप के साथ करते हैं, और फर्स्ट ग्रुप में कौन होता है, ही शी इट एनी नेम
और सिंगुलर सब्जेक्ट, और सेकंड ग्रुप में कौन होता है, आई वी दे यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। तो गाइस इसी के साथ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस फिनिश होता है। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर। सो गाइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी सबसे पहले हमें देखना है पहचान। पहचान क्या होगी इसकी, पहचान जैसे इसकी होगी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है या फिर रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वो मूवी देख रहा है, वो मूवी देख रही है, रहा है, रही है, तो ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज, एम और आर। क्या होती है, इज, एम और आर। तो इसका यूज़ जो होता है वो आपका फर्स्ट ग्रुप के साथ होता है। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन है, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके बाद इज एम का यूज़ आप आई के साथ करते हो, किसके साथ करोगे आप, आई के साथ। और आर का यूज़ जो होता है वो आपका सेकंड ग्रुप के साथ होगा, मतलब कौन है, आई, वी, दे, यू, आई, वी, दे, यू और प्लूरल। तो गाइज ये आप रट लो कि फर्स्ट ग्रुप क्या होता है, सेकंड ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पर आप बस एक चीज़ का समझना कि सेकंड ग्रुप में यहाँ पर आई और यहाँ एम का यूज़ आई के साथ करते हैं, तो बस यहाँ पर आई को एक्सक्लूड कर हटा देंगे यहाँ से, मतलब आई को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर स्पेशली आई के लिए एम का यूज़ होता है। तो आई हटाएंगे तो वी, दे, यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। तो गाइज ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम आते हैं सिंपल सेंटेंस पर, हम आएँ और कुछ चीज़ों को समझते हैं। सिंपल सेंटेंस में आएंगे सबसे पहले फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब वही इज या एम या फिर आर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज यहाँ पर आपको देखना है कि जितने भी कंटिन्यूस होते हैं, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी आता है। कोई इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है, वैसे लोग कोई इसको ना फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, लेकिन मैं इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी बोलता हूँ। तो आप जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं तो सब में सिंगिंग, प्लेइंग, तो जो भी है मतलब आई एन जी आ रहा है, मतलब वो आपका कंटिन्यूस टेंस होता है। तो आपका हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी कंटिन्यूस टेंस है सब में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आएगा, ये पहचानने का तरीका है, बाकी एज एम आर से आप पहचान ही जाओगे। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं सेंटेंस। मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं के लिए आई, आई के साथ क्या यूज होगा, एम, तो आई एम, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, देखना मीस होता है वॉच और आई एन जी, तो आई एम वॉचिंग, क्या देख रहा हूँ मैं, टीवी, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई एम वॉचिंग टीवी। तुम दौड़ रहे हो, तुम दौड़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तुम के लिए यू, तो यू मतलब आपका सेकंड ग्रुप, इसके साथ क्या आएगा, आर, यू आर रन, वर्ब का फॉर्म प्लस आई एन जी है तो आई एन जी आएगा, तो ये रनिंग हो जाएगा, तो इसमें डबल एन आ जाएगा, यू आर रनिंग, यू आर रनिंग। वो खाना पका रही है, वो खाना पका रही है, तो क्या होगा, शी के साथ आएगा इज, शी इज, पकाना मीन्स कुक, शी इज कुक और बस आपका आई एन जी, शी इज कुकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फूड, शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। समझ में आ गया आपको ये, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस थे। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। नेगेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले फॉर्मूला समझना है, तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज या एम या फिर आर मीन्स आपका हेल्पिंग वर्ब, प्लस आपको मालूम है कि जब भी आपको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दोगे, नॉट, तो सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और देन आपका ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो इजंट होगा, एम को लिखूंगा तो एंट होगा और आर को लिखूंगा तो अरंट होगा।
तो ऐसे हम अगर इनको इज नॉट ना लिख के इजंट लिख सकते हैं, आर नॉट एम नॉट ना लिख के एंट लिख सकते हैं, और आर नॉट ना लिख के अरंट लिख सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो मैं, तो आई, आई के साथ क्या आएगा, एम, तो आई एम के साथ नॉट, आई एम नॉट, देखना मीन्स होता है वॉच, आई एम नॉट वॉच, इसके साथ आई एन जी वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। तुम कपड़े नहीं धो रहे हो, तो क्या होगा इसका, तुम मतलब यू, यू के साथ क्या आएगा अर्थ, यू आर के बाद क्या आएगा नॉट, यू आर नॉट, धोना मीन्स कपड़े धोना मीन्स वॉश होता है, तो यू नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, यू आर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। वो नहीं सो रहा है, वो नहीं सो रहा है, तो वो क्या है आपका ही आएगा, ही के साथ इज, ही इज नॉट, सोना मीन्स क्या होता है स्लीप, तो आई एन जी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ही इज नॉट स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग। तो इसी के साथ आपका जो नेगेटिव सेंटेंस है आपको समझ में आ गए होंगे कि बस कुछ नहीं करना है, इजंट अरंट या एंट। अब जैसे इसको मैं इजंट अरंट के फॉर्म में करता तो आई एंट वॉचिंग टीवी, यू अरंट वॉशिंग क्लॉथ, ही इजंट स्लीपिंग। समझ में आई बात, आई एंट वॉचिंग टीवी, यू अरंट वॉशिंग क्लॉथ, ही इजंट स्लीपिंग। तो इसी के तरीके से आपका ये नेगेटिव हो गया। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव पर। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होगा आपका क्वेश्चन बनेगा, तो फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला होगा आपका इज या एम या फिर आपका आर, प्लस क्या होगा आपका ये सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इंटरोगेटिव का फॉर्मूला हो गया। क्या करेंगे फॉर्म क्वेश्चन करते हैं, क्या आप खाना पका रहे हैं, आप खाना पका रहे हैं या बना रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन मार्क तो आना ही आना है, तो इसका ध्यान रखें, अगर मैं भूल भी जाता हूँ लिखना तो आप समझ लीजिएगा कि इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन तो बनना ही है। क्या आप खाना पका रहे हैं, तो क्या होगा, क्या आप मीस यू है, तो आर यू, खाना पकाना मीन्स कुक होता है, कुक, तो आई एन जी आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन, तो आर यू कुकिंग फूड, आर यू कुकिंग फूड। तो आते हैं दूसरे सेंटेंस पर। दूसरे सेंटेंस बोलेंगे, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, तो क्या मैं, तो एम आई, जाना मीन्स वही आपका गो हो जाएगा, तो गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट। अब इसके बाद तीसरा हम ले लेते हैं, क्या वो गाना गा रहा है, क्या वो गाना गा रहा है, सभी में क्वेश्चन मार्क लगना ही लगना है। वो मीन्स ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा इज, इज ही गाना गाने में सिंगिंग, इज ही सिंगिंग आ सॉन्ग। तो देखिएगा इसी के साथ आपका ये इंटरोगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आप सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, तो क्या होगा आपका पहले इज एम या फिर आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब, देन आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको एब्रिवेशन फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा आपका ये इजंट या फिर आपका अरंट या आपका एंट, देन आपका सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट, एंड क्वेश्चन मार्क तो रहना ही रहना है क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन और आप नेगेटिव कर बोल रहे हो। जैसे इसका हम बनाते हैं, क्या वो खाना नहीं बना रहा है, क्या वो खाना नहीं बना रहा है, तो क्या हो जाएगा
क्या वो, तो क्या होगा, वो है तो लड़का है तो इज ही, फिर देन आपका नॉट, खाना बना मतलब कुक, तो कुकिंग फूड, इज ही नॉट कुकिंग फूड, या इसको बोल सकते हैं हम इजंट ही कुकिंग फूड। समझ में आया गाइस? तो बेसिकली ये है कि हमारा मेन काम ये है, अगर हमारा कोई फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से आता है तो आप आसानी से, फॉर्मूला आपको अच्छे से आया तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश हो गया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर वाक्य में रहा है, रही है, रहे आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, इसका यूज आपका फर्स्ट वर्ब के साथ मतलब ही शी इट सिंगुलर एनी नेम, और आपका एम का यूज आई के साथ, और बाकी जो है सेकंड ग्रुप होता है सिर्फ आई हटा देते हैं, तो सेकंड ग्रुप में वी दे यू और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर का यूज करते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा इस प्रेजेंट टेंस का जो थर्ड टेंस है वो है आपका थर्ड पार्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका होता है, इसकी सबसे पहले हम देखेंगे पहचान। तो इसकी पहचान होती है अगर किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी है हैज या फिर हैव, हैज या फिर हैव, तो आप जानते ही हैं हैज का यूज़ आप फर्स्ट ग्रुप के साथ करोगे और हैव का यूज़ आप सेकंड ग्रुप के साथ करोगे। अब फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप क्या, मैं इतनी देर से बता रहा हूँ तो अब आपको याद हो गया और रट गया हो तो आपको समझने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस टेंस में आपका जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जब भी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंस से। सिंपल सेंटेंस का सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज या हैव प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हैज और या फिर हैव, या तो हैज होगा या तो हैव होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, वो घर जा चुका है, वो घर जा चुका है, तो वो मतलब ही, ही मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका हैज, तो ही हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाना मीन्स गो, तो गो वेंट गॉन, ही हैज गॉन टू होम, ही हैज गॉन टू होम। सेकंड ले लेते हैं, मैं चाय पी चुका हूँ, मैं चाय पी चुका हूँ, तो क्या होगा इसका, मैं मतलब आई, तो आई हैव चाय पीना भी, यहाँ पर टेक यूज़ करते हैं, टेक टुक टेकन, तो आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी। अब हम आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, आपका सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज है तो आप इसके लिए हैजंट या फिर आप हैवंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब हैज नॉट या हैव नॉट की जगह आप हैजंट या हैवंट यूज़ कर सकते हो। तो क्या होगा, हम सेंटेंस ले लेते हैं, वो बिल पे नहीं कर चुका है, वो बिल पे नहीं कर चुका है, तो क्या होगा, वो मतलब ही, तो ही के साथ हैज आएगा, तो ही हैज नॉट या ही हैजंट थर्ड फॉर्म पे, पे का थर्ड फॉर्म होता है पेड, ही हैजंट पेड द बिल, ही हैजंट पेड बिल। तुम चाय नहीं पी चुके हो, चाय नहीं पी चुके हो, तुम चाय नहीं पी चुके हो, तो इसका क्या हो जाएगा, यू यू हैवंट टेकन टी, यू हैवंट टेकन टी। इसको वैसे ये जम नहीं रहा होगा, तुम अब तुम चाय नहीं पी चुके हो, तो इसको अगर हम बोले कि तुम अभी तक चाय नहीं पी चुके हो तो यू हैवंट टेकन टी येट,
तो वो थोड़ा जम जाएगा, लेकिन मैं टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसा बनाया। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो क्या होगा यहाँ पर पहला, जैसे सबसे पहले फॉर्मूला, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है मतलब हैज है सबसे पहले आएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ऑब्वियस क्वेश्चन मार्क तो आना ही आना है। जैसे क्या तुम बिल पे कर चुके हो, तो क्या होगा इसका, तुम मतलब यू आएगा तो हैव, हैव यू, थर्ड फॉर्म पे का क्या हो जाएगा पेड विल, हैव यू पेड बिल, सो हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, हैव यू पेड बिल, क्या वो जा चुका है, क्या वो जा चुका है, तो क्या होगा वो है तो हैज, वो ही जाना मतलब गॉन, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन, क्या वो जा चुका है। तो सिंपल नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब आता है आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला होगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जैसे को हम इसका एक फॉर्मूला वो सब वो बना, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हैजंट या हैवंट, और देन फिर पूरा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। मतलब आपका जब आप एब्रीवेशन यूज़ करते हो तो वो सब्जेक्ट बाद में आता है। पहला सेंटेंस, क्या तुम बिल नहीं पे कर चुके हो, नहीं पे कर चुके हो, तो क्या हो जाएगा तुम है तो ये हो जाएगा यू, तो हैव, हैव यू नॉट, थर्ड फॉर्म क्या होगा पे पेड बिल, या फिर इसको लिख सकते हैं आप हैवंट यू पेड द बिल, हैवंट यू पेड द बिल। तो ये दोनों चीज़ों में आप समझ गए होंगे, हैव यू नॉट ये लिखना है या हैवंट लिखना है। दोनों का एक सिंपल तरीका अगर आपको बोलने में, तो आपको हैवंट ज़्यादा सही लगेगा, हैवंट पेड यू बिल। तो गाइस इसी के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी फिनिश होता है। अब इसके बाद आपका है प्रेजेंट टेंस का, और जो प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है इसका नाम है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होगी, इस टेंस को थोड़ा समझना आपके लिए ज़रूरी है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यूअस भी है, मतलब परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके और कंटिन्यूअस में रहा है, रही रहे हैं। तो इसकी पहचान जो है, इसकी पहचान अगर वाक्य में रहा है, रही है या फिर रहे हैं आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप कहेंगे सर यही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और यही प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस की पहचान है, तो फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क ये रहता है इसमें टाइम दिया रहता है, क्या दिया रहता है टाइम। मतलब जैसे इसमें उसमें था मैं खाना बना रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उसमें टाइम आ जाए कि मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ या मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो जब समय आ जाए तो आपको क्या करना है, समझ जाइएगा वो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस है ना कि वो कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर जो टाइम दो तरीके से रहेगा, एक प्रीसाइज टाइम और एक पीरियड ऑफ द टाइम। प्रीसाइज टाइम के लिए मतलब जैसे 5 o'clock, 10 o'clock, जिसका हमें मालूम होता है उसमें उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे, और पीरियड ऑफ द टाइम 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 10 दिन, उसके लिए हम 4 यूज करेंगे। समझ गए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, इसको हम यूज़ करते हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ और इसका यूज़ करेंगे हम ऑब्वियस सेकेंड ग्रुप के साथ, हैज बीन, हैव बीन। तो गाइस सबसे पहले हम आते हैं सिंपल सेंटेंस पर। सिंपल सेंटेंस पे आएंगे तो सिंपल सेंटेंस का सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी,
प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ के बाद आपका जो टाइम रहता है सेंस या फोर आपको ऐड करना रहेगा, और यहाँ पे टाइम लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फोर प्लस टाइम। जैसे हम एक सेंटेंस ले लेते हैं, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा? मैं के लिए आई हेल्पिंग वर्ब के साथ आई हैव बीन, पढ़ना मतलब स्टडी, तो आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग। अब ऑब्जेक्ट वर्ब सिंस, चूंकि 4 बजे प्रीसाइज टाइम, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? सिंस आएगा, सिंस 4 बजे, तो आपको हो जाएगा 4 o'clock, 4 o'clock, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, वो 5 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, वो 5 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा? ही के साथ हैज़, तो ही हैज़ बीन, इंतज़ार करना मतलब वेट करना, तो ही हैज़ बीन वेटिंग। चूँकि 5 घंटे यहाँ पे पीरियड ऑफ द टाइम है, तो क्या होगा ये? फॉर 5 घंटे, तो 5 आवर, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर 5 आवर्स। तो इसी के साथ आपका ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तब हम आते हैं नेगेटिव पे, तो नेगेटिव सेंटेंस समझना बहुत सिंपल है। नेगेटिव में आपको जैसे मैंने बताया था बस वही चलेगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख के लिख रहा हूँ, या तो आपका हैज़ नॉट या हैव नॉट होगा पहले, ध्यान देना, फिर इसके बाद विन आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आपका आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर आपका सिंस या फोर और प्लस टाइम। फॉर्मूला थोड़ा लंबा दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस या फोर या फिर इसके बाद टाइम। जैसा हम एक ले लेते हैं, मैं 4 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं आएगा, नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 4 बजे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा? मैं, तो आई के साथ हैव नॉट, आई हैव नॉट, देन विन आएगा, आई हैव नॉट विन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना मतलब टीच, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग, आई हैव नॉट बीन टीचिंग। 4 बजे से तो क्या आएगा यहाँ पर? सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, तुम 2 घंटे से नहीं रो रहे हो, तुम 2 घंटे से नहीं रो रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यू हैवंट भी लिख सकते हैं, यू हैवंट विन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, यू हैवंट बिन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया, और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला क्या होगा आपका? इंटरोगेटिव में सबसे पहले आपका आएगा हैज और हैव, देन आपका सब्जेक्ट, फिर आपका बिन आएगा। ये ध्यान रखना है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, और देन आपका आएगा टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। है बिन जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है या नोट के बाद आता है, जो हमने नेगेटिव में समझा है। तो जैसे हम फॉर्मूला देखते हैं, क्या वो 4 बजे से पढ़ा रहे हैं, क्या वो 4 बजे से पढ़ा रहे हैं, वे मतलब वो रहा है, ये लिख सकते हैं रहे हैं, मेरा इंटेंशन वो था रिस्पेक्ट वाला। तो इस पर पहले वो है, तो क्या आएगा? हैज़ ही विन, हैज़ ही विन, पढ़ाना मीन्स टीच, तो हैज़ ही विन टीचिंग 4 बजे से, तो क्या हो जाएगा? सिंस 4 o'clock। और ऑब्वियस क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो मतलब पहले हैज देन ही देन विन और देन टीचिंग है सिंस 4 o'clock. ऑब्वियसली ऐसे ही अगर हो जाए, क्या वो 4 घंटे से पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, हैज ही बिन, पढ़ना मतलब स्टडिंग, सिंस की जगह क्या आएगा यहाँ पर, फोर आवर्स. तो इस तरीके से आप इंटरोगेटिव बनाएंगे. अब मैं आपको लाता हूँ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पर. तो पहले इसका फॉर्मूला देखें आप. सबसे पहली चीज़ है फॉर्मूला. तो हैज या हैव प्लस आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका नॉट आएगा, फिर आपका विन आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फोर, और देन आपका टाइम आएगा. समझे? इसलिए मैंने इसको लिखा है अलग से कि हैज या हैव फिर देन सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम. या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हैजंट या हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस विन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, और क्वेश्चन मार्क तो आना ही आना है. तो जैसे अपन एक ले लेते हैं सेंटेंस की, क्या वो 4 बजे से नहीं पढ़ा रहा है. क्या वो 4 बजे से नहीं पढ़ा रहा है, तो क्या होगा वो, तो हैज ही नॉट विन, हैज ही नॉट विन, पढ़ाना वही टीचिंग, हैज ही नॉट विन टीचिंग, फिर देन आपका क्या आएगा, सिंस 4 o'clock. समझ गए? अगर इसको वैसे लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा hasn't he win. बाकी का तो पूरा सेम टू सेम है ही है, hasn't he win. तो गाइस इसी के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी फिनिश होता है, और इसी के साथ ही आपका पूरा प्रेजेंट टेंस जो होता है वो फिनिश होता है. तो होप यू गाइस आपको पूरा प्रेजेंट टेंस जो है, टेंस की स्टार्टिंग जो आपको समझ में आई होगी, और आपको वीडियो अच्छा लगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. चैनल को अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. और गाइज आपके जो नेक्स्ट पास्ट और फ्यूचर टेंस की जो मैं वीडियोज़ हैं वो लेकर लाऊंगा, लेकिन इसके लिए पहले आपको इस वीडियो को अच्छा एक सपोर्ट करना, ताकि आप सपोर्ट करें तो मुझे एक पॉजिटिविटी साइन मिले कि नहीं भैया मेरे को वीडियो बनाना है. तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्.